दिन ब दिन अपनी बदहाली पर खुद ही आंसू बहा रहा है। सिविल सर्जन एसके जैन लाखों दावे करते रहे कि अस्पताल की हालत बद से बदतर ही होती जा रही है। लगातार अस्पताल को लेकर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे जाहिर होता है कि अस्पताल को चलाने में शायद किसी की भी कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने काम को अपनी जिंदगी समझते हैं एवं पूरा मन लगाकर काम करते हैं। कल देर शाम अचानक कलेक्टर ने अपना रुख अस्पताल की तरफ ले लिया। वहीं देखने को मिला तो केवल अनियमितताएं। कलेक्टर भास्कर अक्षकार एवं एसडीएम शिवानी रायपर तकरीबन 7 बजे जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रामा सेंटर में फटे हुए गद्दों पर मरीज को लेटे देखा। वहीं वहां पर चादरें भी नहीं थी, जिस पर उन्होंने सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई। गर्मी से बदहाल मरीजों को कूलर न होने पर भी उन्होंने अफसोस जाहिर किया, जिस पर जल्द ही व्यवस्था करने की बात कही गई। वहीं ट्रामा सेंटर पहुंचे तो वहां एक मरीज की बेहाल स्थिति को देखकर उन्होंने सीएस को इस बात पर ही फटकार लगाई। बता दें कि ये मरीज तकरीबन 2 बजे भर्ती किया गया था, जिसका इलाज शाम 8 बजे तक शुरू नहीं किया गया था। पुराने आदेश में आयुष्मान योजना के तहत नोटशीट तैयार करने की बात कही थी, जिस पर पूर्ण न होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। वहीं डॉक्टर भोला के द्वारा लिखा गया एक पर्चा उपस्थित 4 डॉक्टर एवं 3 नर्स भी नहीं पढ़ पाए, जिस पर उन्होंने वहीं कहा कि सिविल सर्जन का ये कहना है कि डॉक्टर भोला का लिखा वो नहीं पढ़ सकते। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि अधिकारी आते हैं, डांट फटकार लगाते हैं, निर्देश देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अस्पताल की स्थिति कभी नहीं सुधर पाती। इस बार देखने लायक होगा कि कलेक्टर के इस निर्देश के बाद क्या इस अस्पताल की सुविधाएं बहाल हो पाएंगी या फिर अनियमितताओं का अंबार लगता ही चला जाएगा। अब ये जो डॉक्टर बोला ने जो भी उसमें लिखा है उसमें कोई मायका नाल ये नहीं पता चल सकता कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम, डॉक्टर क्या है उसमें। और ये तो आपकी राइटिंग को ही कह रहे हैं कि मैं तो डॉक्टर बोला की राइटिंग पढ़ ही नहीं सकता। अगर डॉक्टर डॉक्टर की नहीं पढ़ सकता तो कैसे होगा बताइए।